The Lallan Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। हमारे रिपोर्टर अभिषेक गुप्ता ने लखीसराय में एक मजदूर से बात की और उसके हाथ में एक झोला देखा। झोले में उसका खाना और उसकी कहानी है। किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता। अगर काम नहीं मिलता है तो झोले का यही खाना वो घर लौटकर खा लेता है। देखिए, नाम बताइए। नीरज कुमार। नीरज कुमार, क्या करते हैं आप? वे मजदूरी करते हैं। क्या है आपके थैले में? क्या है? खाना ले जाते हैं, मजदूरी करके खाते हैं। तो अभी आप 8 बज चुका है, तो आपको मजदूरी कितने बजे तक मिल जाती है? क्या आपको 8 बज गया, कितने बजे तक आपको मजदूर, मतलब जो आते हैं आपको लेके जाने के लिए, तो वो कितने बजे तक आते हैं? अगर आपको काम नहीं मिलता तो कितने बजे आप लौट जाते हैं? वह 8 बजे आते हैं। हाँ। तो 8 बजे तक काम मिला नहीं मिलता तो लोग चल जाते हैं। फिर टिफिन को आप फिर घर पे खाते हैं? जी। बच्चे हैं? हाँ, 2 लड़का है। क्या करते हैं? वो अभी वही स्कूल में पढ़ता है, वही कमा के खिला के पढ़ाते हैं। किस क्लास में? वो अभी 8वां पढ़ रहा है, कोई अभी 5वां पढ़ रहा है। तो आप उन्हें आगे पढ़ाएंगे या फिर उन्हें भी मजदूर बनाएंगे? नहीं, हम वही चाहते हैं कि मैं कमा के उसको पढ़ाएंगे। वह काम में नहीं चलता, लॉकडाउन में फतेहपुर रहता है, काम नहीं चलता है। क्या लॉकडाउन में बीमारी नहीं होगा? लॉकडाउन चलते काम नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि लखीसराय से सिटिंग बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा नीतीश सरकार में श्रम संसाधन मंत्री हैं। यहाँ श्रम शब्द पर ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं दूसरी रिपोर्ट की तरफ। सौरभ द्विवेदी ने बात की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी से। आज जीतन राम मांझी की पार्टी को नीतीश की जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें दी हैं। लेकिन एक समय जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे। कभी जीतन राम मांझी को नीतीश ने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उनके कहने पर मांझी को कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिससे मांझी उखड़ गए। इस शॉर्ट टर्म झगड़े के बारे में जीतन राम मांझी ने बताया कि नीतीश को अपनी गलती का एहसास हुआ। देखिए ये बातचीत। इसी इमामगंज में 2015 में आप लोगों से कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने दलित का अपमान किया है। सही बात है, ये बात उस समय इसलिए कही गई थी कि जब मुख्यमंत्री हमको उन्होंने बनाया तो मुख्यमंत्री से हटाने का क्या उचित था, और अगर उचित था तो हमने उनको कहा कि 2005 में आपने मंत्री बनाया और 2 घंटा के अंदर ही प्रेस वाले लोग तो बहुत काबिल होते हैं, वो कह दिन कि आपके यहाँ दागी मंत्री है। तो लालू यादव दागी मंत्री हैं उन लोगों को नहीं सूझता था, क्योंकि जीतन मांझी एक शेड्यूल कास्ट हरिजन का बच्चा था तो सबको लगा कि जीतन मांझी दागी है। जब कहा नीतीश कुमार ने तो हम 2 मिनट भी नहीं रुके और इस्तीफा दे दिया था। वही बात हम उनको कहा 2000 बाद में वो आपको बहाल भी की और बीएड घोटाले में आप बरी भी हुए। चलिए वो बात हुई तो कहने का मतलब सच्चाई थी तब ना, अगर कोई गलत बात होती तो हम जेल में जाते। पर आपको भी अजीब लगा होगा 4 घंटे में इस्तीफा ले लिया। नहीं, कोई अजीब नहीं लगा। ये आदमी एक तरह से भ्रष्टाचार या पाक साख सरकार बनाना चाहते थे, हम भी उसमें साथ उनको दिया कि भाई आप निश्चित रूप में ऐसा कीजिए। उसी प्रकार से 2015 में जब बात आई थी तो हमने उनको कहा कि आप अगर एक बात भी कह देते कि अब हो गया जीतन, या तुम बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, तो हम किसी पद के लिए आज तक लड़ाई नहीं रहे, हट जाते। इसीलिए उनका विरोध करते थे। अब रही बात ई विरोध की, बात जब आदमी को मिलता है तो मिलने के बाद गिले शिकवे खत्म होते हैं। दूर हुए? हाँ, एकदम दूर हुए। वो भी एहसास किए। हाँ। कि हमने गलती की है। हाँ। हमने भी कहा कि भाई हम जितनी बातें बोले हैं हमने गलती की, चलिए दोनों बराबर हो गया, अब आगे नया अध्याय शुरू हो, और नया अध्याय शुरू हो रहा है। आपने सुनी जीतन राम मांझी की नाराजगी। आज जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते, यही राजनीति है। आखिरी रिपोर्ट टीम सोन की है। हमारे साथी सिद्धांत मोहन ने बात की बीजेपी छोड़कर एलजेपी में आए रामेश्वर चौरसिया से। बिहार चुनाव में ऊपरी तौर पर ऐसी चर्चाओं ने जगह बना ली है कि बीजेपी नीतीश को कमजोर करने के लिए चिराग को बढ़ावा दे रही है। बातें हैं बातों का क्या, लेकिन इन बातों पर रामेश्वर चौरसिया ने क्या कहा, सुनिए जरा। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा ने, मतलब अंदर खाने की बहसों को ध्यान में रखें, नुक्कड़ की बहसों को ध्यान में रखें, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी
ने एलजेपी को इसलिए अपर हैंड दिया हुआ है कि जदयू के वोट काटे जा सकें? देखिए ये ऐसा क्या ये इसके बारे से भी कहा जा रहा है कि एलजेपी जदयू के वोट काटना चाह रही है जिससे आरजेडी थोड़ा सा खिंच जाए मामला? नहीं, ये आप जैसे भाष्य कीजिए लेकिन सच्चाई ये है कि कोई एक दिन में हुआ नहीं है। 3-4 महीने से वो बोलते रहे कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ाऊंगा, जेडीयू के खिलाफ लड़ाऊंगा। तो ये वहाँ तो कोई नाटक नहीं था, लेकिन ये जो मैसेज था, मैसेज लोगों के पास चला गया कि सही मामले में ईमानदारी से चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ हैं और जनता का मूड भांप रहे हैं, जनता नहीं चाहती है नीतीश को। आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा, तो मुझे तो लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि जेडीयू बिल्कुल ही सिमट जाए, हाँ, और भाजपा लोजपा की ही सरकार बनेगी। लोजपा के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। आपको घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर अर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।